मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इस छोटे से जिले में इतना अच्छा वाटर पार्क खुल गया है। यहाँ नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमृत प्रकाश। इस समय गोरखपुर लाइव की टीम देवरिया पहुँच चुकी है। देवरिया में हम जस्ट चिल नाम के वाटर पार्क पर पहुँच चुके हैं। देवरिया पहले पिछड़े जिलों में गिना जाता था और आज प्राइवेट इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर करके और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहे हैं। लग्जरी के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वाटर पार्क का नया विकास किया गया है। सोनू घाट के पास ये वाटर पार्क बनाया गया है। चलेंगे हम इस वाटर पार्क के अंदर और जानेंगे कि किन सुविधाओं को ये वाटर पार्क दे रहा है और जानेंगे कि क्या क्या इस वाटर पार्क में सुविधाएं दी जा रही हैं इंटरटेनमेंट और लग्जरी के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये वाटर पार्क है और यहाँ पे खुलने का समय बताया गया है कि 10 बजे से 4 बजे तक ये वाटर पार्क खुला रहता है। आपको दिखा दें कि ये इसका टिकट काउंटर है इस जस्ट चिल वाटर पार्क और रेस्टोरेंट के मैनेजर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है इस वाटर पार्क में, जो कि देवरिया का पहला वाटर पार्क है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क होने का भी गौरव कहीं ना कहीं नए बने वाटर पार्क को मिल चुका है। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, राहुल जी, हमारे साथ राहुल जी हैं जो इस जस्ट चिल वाटर पार्क के मैनेजर हैं। स्वागत है आपका गोरखपुर लाइव। थैंक यू सर। ये जो वाटर पार्क आपने जस्ट चिल बना रखा है, ये इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और देवरिया के लोगों के बीच में ये एक चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो सर, अभी तो बना है आप जैसे लोगों के लिए ही, ताकि आप लोग आएँ, इंजॉय करें और फन करें। और ये देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा टिकट काउंटर है। अच्छा, दिखाएं। ये हमारा टिकट काउंटर है, यहाँ से लोग आके टिकट लेते हैं अपना। और ये है मेन एंट्री गेट। ये एंट्री गेट है। तो क्या टाइमिंग है आपके इस वाटर पार्क के खुलने की? सुबह 10 बजे से हाँ। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है ये। अच्छा, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सिक्योरिटी चेक करके अंदर आप आ सकते हैं। जी, हमारी सिक्योरिटी है हाँ, सेफ्टी के लिए है। और टिकट की क्या प्राइस आपने बताई? मंडे टू फ्राइडे 450 रुपये हैं। अच्छा। और सैटरडे संडे 500 हैं। अच्छा, क्या एज ग्रुप को आप अलाउ करते हैं वाटर पार्क के अंदर? जी सर, सॉरी, किस एज ग्रुप के लोगों को, किस उम्र के लोगों को आप अलाउ करते हैं? एक्चुअली ये मतलब कि बच्चे भी आ सकते हैं, किड भी आ सकते हैं और 18 प्लस भी हैं, बस ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, ओल्ड मैन के लिए नहीं है। और वाटर पार्क तो लग्जरी है, तो मतलब बूढ़े लोग तो कम जैसे कम ही आएंगे। हाँ, और एक्चुअली ये भी एक किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए नियम और शर्तें आप आगे देख सकते हैं। अच्छा, लगा हुआ वॉल पे। और ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये आप यहाँ से हमारा रेस्टोरेंट का टोकन ले सकते हैं। अच्छा, जस्ट बगल में है, कॉस्ट्यूम डिलीवरी है हमारे यहाँ। अच्छा, कॉस्ट्यूम डिलीवरी भी है। और इसके पीछे हम चलते हुए चलेंगे, देखेंगे कि क्या खास आपने बना रखा है। ये पीछे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किस लिए है? ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है, एक मेल है हाँ, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा मेल है हाँ। और जस्ट इसके सडनली आगे आएंगे हाँ। ये आ जाता आपका लॉकर रूम हो जाता है। अच्छा। जैसे लोग आए हैं हाँ। अपने सामानों को रखने के लिए, सेफ्टी के लिए हाँ। तो ये हमारा ये लॉकर रूम बना हुआ है। ये लॉकर रूम है जिसमें सारे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं तकरीबन 300 तक लॉकर हैं। तो युवाओं के बीच में काफ़ी पसंद किया जा रहा है ये वाटर पार्क। जी जी जी, अच्छी बात है। और ये देखिए, ये हमारा महिला चेंजिंग रूम है। अच्छा, ये वुमेंस के लिए जी, मतलब सेपरेट आपने बना रखा है? सेपरेट है सर, इनके लिए देखिए लेडी भी बैठी हुई हैं हाँ हाँ, जो सारी चीज़ों को देखें, सेफ्टी को भी आप ध्यान में रख रहे हैं। जी सर। अच्छा, और फिर इधर से हम ये इंटरटेनमेंट कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अट्रैक्शन का ये आपने बना रखा है, पहला जो साधन बना रखा है, ये इसका क्या नाम है? ये है, सबसे पहला इसको बोलते हैं फैमिली पूल। फैमिली पूल, फैमिली पूल। अच्छा, तो इस पे इसके पीछे क्या तथ्य है कि क्यों इसका फैमिली पूल नाम रखा? ये जो फैमिली पूल आपने बना रखा है, इसकी क्या क्या खासियत है, कैसे लोग देख रहे हैं? एक्चुअली इसको फैमिली पूल इसीलिए बोला जाता है कि हाँ, फैमिली के सारे बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे कीड़े हैं, इनकी ज़्यादा गहराइयाँ नहीं होती हैं। और ये टोटल फैमिली वालों के लिए रखा जाता है, स्पेशली उन लोग के लिए ये रखा जाता है। और इसमें आप आके इंजॉय कर सकते हैं, बैचलर भी हैं तो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये छोटा है इसीलिए इसको छोटा बनाया गया है, लेकिन बड़े लोगों के लिए सेफ्टी, चूँकि आपने बताया ये फैमिली पुल है, बच्चे भी देख रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं हमारे लाइफ गार्ड खड़े रहते हैं। अच्छा,
पानी में जब भी कुछ ऐसा लगता है तुरंत ये पानी में ही रहेंगे। जैसा कि आप इस पुल में देख रहे हैं, सेम आपको आगे वाले पुल में ही प्रोसेस ये दिखेगा। अच्छा, वो लाइफ गार्ड जो खड़े हुए हैं जी, वो जी, जी, सारे मदद करने के लिए ये इसीलिए लगे हैं। वो जो हम देख पा रहे हैं, वो आपकी मशीन जो देख पा रहे हैं एंटरटेनमेंट का साधन, वो उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं टावर पुल है, वो स्लाइड करती है। टावर पुल, टावर पुल, टावर पुल, स्लाइड पुल भी बोल सकते हैं इसको। वो राउंड वाली इसीलिए ट्यूब स्लाइड है, सीधे जो आ रही है ट्रिपल लाइन उसको मल्टी लाइन बोलते हैं। अच्छा, और वो लास्ट वाली जो रेड और वाइट वाली है उसको हम बोलते हैं बॉडी स्लाइड। बॉडी स्लाइड, बॉडी स्लाइड। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बॉडी टार आपने जो बताया, जो फैमिली पुल बताया, इसमें से कौन सा युवाओं के बीच ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? एक्चुअली सबसे बेसिक चीज़ है, आप भी देखो ये सारी चीज़ें कुछ यूनिक है। पहले नंबर पे स्लाइड ही मेन, वाटर पार्क का सबसे बड़ा चीज़ यही होता है। अच्छा, स्लाइड, स्लाइड जो मेन, स्लाइड पुल यही हो गया आपका। लोग सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इसके बाद से फिर आते हैं आपके ये वेव पुल। ये वेव पुल है, वेव पुल। वेव पुल की क्या खासियत है? वेव पुल की खासियत यही होती है कि ये जैसे समुद्र लहर दिखाती है अपना, वैसे इसमें होता है, ये लहर बांटती है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि देवरिया में इस नए वाटर पार्क के खुलने से किस प्रकार ये आनंद ले पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा विशाल जायसवाल है। विशाल जी, देवरिया में नया वाटर पार्क खुल गया है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इस छोटे से ज़िले में इतना अच्छा वाटर पार्क खुल गया है। यहाँ से बहुत दूर दूर से युवा आ रहे हैं, मतलब बहुत सभी लोग आ रहे हैं, इस चीज़ का फन कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। जो चीज़ नहीं था यहाँ पे होने से बहुत बड़ा हम लोग के देवरिया वासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। अच्छा, गर्व की बात है। कुछ और लोग मौजूद हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं आप वाटर पार्क में? हाँ, कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो ये कुछ लोग थे जो हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ के मैनेजर के पास फिर चलेंगे, मैनेजर साहब के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या है इस वेव पुल की खासियत। क्या आप इस वेव पुल को बता पा रहे थे, क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे मैं सिक्योरिटी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए देखिए लाइफ गार्ड खड़े हैं। अच्छा, और आगे लाइफ गार्ड खड़े हैं ताकि वो देखिए आगे से कोई भी स्लाइड करते हुए आएगा तो सडनली उन्हें बैक करके पीछे कर देंगे। अच्छा, ताकि कोई दूसरा सेकंड वाला आया है तो उसे चोट ना हो किसी तरीके, मतलब हर तरीके से सिक्योरिटी अच्छी दी गई है, सेफ्टी दी गई है। सेफ्टी और आप देख सकते हैं जैसे ही आ रहा है उनको तुरंत हटाया जा रहा है। अच्छा, ताकि नेक्स्ट आने वाले को किसी तरीके की चोट ना लगे। तो मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप प्रायोरिटी बना के रखें। हमारे बाउंसर हैं, आप देख सकते हैं हर जगह तैनात हैं जी, ताकि किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व यहाँ पे ना आ पाए। ठीक है, तो ये वेव पुल की खासियत आप बता रहे थे, अब वेव पुल पे हम चलेंगे और बात करेंगे कि वेव पुल की क्या क्या खासियत है यहाँ पे। आप हमें समझा पाएं अगर कुछ हमारे दर्शकों को वेव पुल के बारे में। एक्चुअली इसको, इसका नाम ही वेव पुल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वेव करता है, वेव करता है, वेव लहर बनाता है, ऐसे जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, इसीलिए इसका नाम वेव पुल पड़ा है। और लोग इसके बाद सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं, 10 से 15 मिनट चलते हैं, राउंड इसके होते हैं, 3 सिफ्ट होते हैं और ये चलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लोग इंजॉय करते हैं। राहुल जी, कोई व्यक्ति अगर टिकट लेकर के अंदर आता है तो वो कब तक रुक सकता है अगर सुबह आ जाता है? एक्चुअली ये टाइमिंग यही है सर कि आप 10 से 4 है। अच्छा, आप कभी भी आ सकते हो इसके बीच में। हाँ, 10 बजे आ जाओ, 4 बजे जाओ, 2 बजे आओ, 3 बजे चले जाओ, मतलब कोई टाइम बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है इसी बीच में। अभी अभी सिर्फ वही टाइम है कि 10 से 4 बजे तक है, आप 10 से 4 पे रहो या फिर। एक और आपने बता रखा था कि रेन डांस करके कोई आपने बता रखा था, इसकी क्या खासियत है इस रेन डांस की? एक्चुअली ये रेन डांस है, डांस वगैरह सबसे ज़्यादा मस्ती लोग इसी में करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि पार्टी वगैरह के लिए लोग पसंद करते हैं। जी जी, ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये भी। और इसको अगर आप चलवा के दिखा पाए हमें, हमारे दर्शकों को, 2 मिनट के लिए चालू करो। तो ये ऐसी चीज़ है जो अभी आप स्टार्ट होता है, आप इसको देखिए और सभी दर्शकों को दिखाइए भी। हाँ, बगल में साउंड डीजे लगा हुआ है, गाने बजते हैं, लोग और ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और अभी देखिए स्टार्ट कराया जा रहा है इसको, इसमें इसके जो फव्वारे होते हैं ना वो धुएँ की तरह अच्छे आते हैं, धुएँ की तरह। जी जी, अभी आप स्टार्ट होता है तो आप इसको देख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे ये फव्वारा, जिसका नाम है रेन, रेन डांस, रेन डांस, ये युवाओं के बीच में, देवरिया के युवाओं के बीच में
काफ़ी पसंद किया जा रहा है, ऐसा इस वाटर पार्क के मैनेजर साहब ने हमें बताया है। ये सारी सुविधाएं जो इस वाटर पार्क में मुहैया कराई गई हैं, देख सकते हैं, ये फव्वारा जो है, ये रेन डांस नाम से ये फव्वारा जाना जाता है। काफ़ी आनंद यहाँ पे लोगों को मिल सकता है। एक तरह से जब पूर्वांचल में बारिश नहीं हो रही थी तो आर्टिफिशियल बारिश का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। और इंद्रदेव काफ़ी प्रसन्न है इस वाटर पार्क में, तो नेचुरल बारिश भी यहाँ पे शुरू हो गई है रेन डांस के शुरू होते ही। तो गोरखपुर लाइव की टीम यहाँ पहुँची थी जस्ट चिल वाटर पार्क एंड रेस्टोरेंट में। निश्चित तौर पर देवरिया के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा जस्ट चिल वाटर पार्क एंड रेस्टोरेंट के नाम से मिला है। देवरिया जो कि पिछड़े जिलों में जाना जाता था, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के तरफ से इतनी बड़ी पहल इस तरह से करना निश्चित तौर पर देवरिया के युवाओं के लिए, देवरिया के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। गोरखपुर लाइव के लिए अमृत प्रकाश की रिपोर्ट।